तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं हम आपको, और जाहिर शाने रमजान में हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी दरपेश आने वाले मसाइल हैं उनको जरूर एड्रेस किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ा दरपेश आने वाला मसला जाहिर है कि कोरोना है, और हर दूसरा शख्स हमसे हर लम्हे कोई ना कोई सवाल पूछ रहा था, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे कोरोना हो जाएगा, इससे फैल जाएगा, इससे कम हो जाएगा, हम बच गए हैं, हम फंस गए हैं, क्या अभी बुरा वक्त आ गया है या आने वाला है। 1 करोड़ सवाल आते हैं, और रमजान की नस्बत तो और बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे गाहे बगाहे उन सवाल को दीनी तनाजुर में उलमा से पूछ के, तिब्बी तनाजुर में डॉक्टर साहबान से पूछकर आपके सवाल के जवाब देते रहे। दो मायानास डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सीमी जमाली साहबा तशरीफ फरमाए जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेपीएमसी की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे अंदाजा है आप लोग बहुत मसरूफ हैं आजकल, वक्त निकाल कर आए हम लोगों के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत नवाज। पहले तो बताइए, अभी यहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चे आए हुए थे, तो अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं पहले तो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून देता था, अब कोरोना है तो मैं अगर खून दूंगा, खून देने जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, तो ये उसका खौफ ठीक है, बिल्कुल गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ओके। और मेरा ख्याल से कोरोना जो है उसका थैलेसीमिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग डर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर उनकी इम्यूनिटी जरा कम है, हाँ, उनको अपनी इम्यूनिटी या कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने की जरूरत है, और ब्लड जो है वो बिल्कुल उनको डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी को ये डर लगे कि जब मैं ब्लड देने के लिए जाऊंगा या किसी को घर पे बुलाऊंगा तो पता नहीं वो उस वक्त टच करेगा या वो उससे ना कुछ हो जाए, तो देखिए इसको बड़ी साइंटिफिकली हम ब्लड सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, अल्कोहल स्वाब से साफ करते हैं या स्पिरिट से साफ करते हैं, सही, और फिर नीडल प्रिक करते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बड़ा सेफ है इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम, और प्रोवाइडेड के जो देने वाला है उसको कोई ऐसी बीमारी ना हो, ये इंश्योर करने की जरूरत है कि देने वाले को कोई ऐसी बीमारी ना हो, हेपेटाइटिस बी सी या कोई और बीमारी ऐसी, या कोविड के कोई सिम्टम्स ना हो। तो वो जो है वो जब आप ब्लड देने का इरादा करते हैं तो वहाँ उसी मसने काशिफ इकबाल है या फातमी है, हुसैनी ब्लड बैंक है, जो भी आप उनके ही रेलेवेंट लोगों से पूछ लें कि जनाब वो मेक श्योर कर लेते हैं, यानी कि जनाब मैं ब्लड देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, मुझे ब्लड देना चाहिए नहीं, जी, वो बिल्कुल वो असेसमेंट करते हैं, और अगर आपकी असेसमेंट में आप पूरे फिट हो जाते हैं तो फिर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सो इट इज सेफ, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल। आप बताइए कौन सा 1 या 2 काम है जो कि आप कहें कि भाई ये तो कोरोना के एतबार से बहुत ही डेंजरस है, ये तो बिल्कुल ना करें। वैसे मुझसे किसी ने कहा कि हाथ धोना, सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, लेकिन ये हाथों को चेहरे पर, आंख पर, नाक पर लगाना, ये तो बहुत ही डेंजरस है, ये तो पहली चीज जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इज दैट द केस? देखिए दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसको हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो कोरोना में करना है वो प्रिवेंटिव मेजर्स ही लेने हैं। सही है। प्रिवेंटिव मेजर्स में हैंड सैनिटाइजर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे हाथ हैं। Okay. अगर हम अपने हाथों को साफ रखेंगे, चेहरे पर बार बार हाथ नहीं लगाएंगे, अच्छी तरह साबुन से धो लें हाथ कई मरतबा, 20 सेकंड के लिए दिन में धो लें, तो मेरे ख्याल से आधा जॉब इज डन। अच्छा, आधा काम। अदर थिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग। अब सोशल डिस्टेंसिंग का लोग अब मतलब आप समझे कि इसको अब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। जी हाँ। और आप तकरीबन 3-4 फीट के फासले पर अगर एक दूसरे से रहें तो मुनासिब फासला, ये जितना ये फासला है ये तो काफी से भी ज्यादा है, बिल्कुल एक से ज्यादा ही है बल्कि, ठीक तो है। ये मेरा ख्याल से दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ हो रहा है। जैसे अभी हम आ रहे थे स्टूडियो में तो मैंने ये देखा कि ट्रैफिक जो है रवा दवा था रोड पे, बच्चे खेल रहे हैं, उसी तरह हाल है, तो ये सिर्फ क्या उन रोड्स के लिए है लॉकडाउन जो मेन रोड्स हैं और गली मोहल्लों में कुछ नहीं हो रहा, सब लोगों को अपनी नेशनल जिम्मेदारी को देखना चाहिए, और गवर्नमेंट कुछ कह रही है तो बिल्कुल बजा है और बिल्कुल मुनासिब है कि ठीक आप है। इस वक्त रोड्स पे ना निकलें, आप लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट जिन टाइमिंग्स में आपको बोल रही है उसमें लॉकडाउन ही रहे तो अच्छा है, घरों से बाहर ना निकलें, और हम एक गरीब अवाम है, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, सही है। We are a poor country and we have to go within the resources that we have। ठीक है जिमी साहब, जरा आसान अल्फाज में बता भी दीजिएगा, लोग बार बार सुन रहे थे कि कोरोना से लड़ने का बेहतरीन तरीका है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो, ये इसका क्या मतलब होता है, जरा आसान अल्फाज में बता दें क्या मतलब? इसका मकसद ये है कि आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो मजबूत हो जाए। कुव्वत मुदाफियत जो है वो एक हेल्दी डाइट से बहुत अच्छी हो सकती है। आप खाना ऐसा खाएं जिसमें फ्रूट्स हो, जिसमें वेजिटेबल्स हो, और ज्यादा कुक्ड स्टफ ना हो कि आपने बहुत ज्यादा तले हुए खाने खा लिए, उस तरह की चीजें जो है फैट
इनटेक थोड़ा कम हो, इस तरह की चीजें, बैलेंस डाइट हो, फिर हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका। ये नहीं कि आप सारा दिन सोते रहें और समझें कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये कि आप एक्सरसाइज करें, उसको शामिल रखें अपनी डेली रूटीन में। इसके अलावा और जिम जाना जरूरी नहीं है। और एक बात खास तौर पर मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आपको अपनी नींद के औकात जो है बिल्कुल मुतहरिक होना चाहिए कि यू हैव टू हैव 6 to 7 hours ऑफ स्लीप मैंडेटरी। अगर आपने नींद पूरी नहीं की तो आप जो भी कुछ कर लें यू विल नॉट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप मुझे परेशान कर दिया। और आपकी कुव्वत मुदाफियत फिर उससे कम हो जाती है। तो अब मैं इसके क्या क्या किया जाए, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो कि वाकई नींद का सिलसिला तो मेरा जाती तौर पर बड़ा बहुत ठीक ठाक डिस्टर्ब हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फॉल्स सेल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। और हम लोगों को मेरे ख्याल से अगर ग्लव्स पहनते हैं लोग समझते हैं कि हम बच गए हैं, तो मसला कोई नहीं है। और कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मसला है। और आप अपने गंदे हाथ, जो ग्लव्स को आपने किसी चीज को सरफेस को छेड़ा और उसके बाद मुंह पे हाथ लगा लिया, फिर वही हाथ आपने आंखों में मल लिए, तो फिर दिस इज नॉट राइट। और आपको बार बार ग्लव्स को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। पता नहीं आप कितनी अच्छी तरह हाथ सैनिटाइज करते हैं ग्लव्स पहन के या नहीं। सो ग्लव्स को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा बार बार, सैनिटाइजर जैसे हम हाथों को करते हैं, और जिस तरह हाथ को करते हैं। तो सिंपली अगर मैंने ग्लव्स भी लगाए हुए तो मैं उन ग्लव्स के साथ भी मतलब इस तरीके से प्रॉपर, जिस तरह अभी मैं हाथ सैनिटाइज कर रहा हूँ, इस तरीके से ग्लव्स को करना। खास तरीका है कि आप आगे पीछे अंदर बाहर से अच्छी तरह हाथों को भी, नेकेड हैंड्स को भी सैनिटाइज करने का कोई खास तरीका है या ठीक है? हाथों को आपको अच्छी तरह से साफ करना है। ये मैं ठीक है, ये अब बताइए का बताया हुआ तरीका है। देन यू ये सही है, ठीक है। विद द फिंगर्स, देन द थंब्स, देन द ओके, एवरीथिंग ठीक है, एंड देन दिस। अच्छा, इस तरह हाथ बाकायदगी से धोने से सैनिटाइज का भी प्रॉपर तरीका है सैनिटाइज करने का। सैनिटाइज करने का इसलिए कि अच्छा तो ये हो कि हम साबुन और पानी से हाथ, वो सबसे अच्छा है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो मुहैया नहीं है, फॉर एग्जांपल पानी नहीं है, तो फिर हम सैनिटाइज अच्छी तरह हाथों को करना चाहिए। ओके, क्या सबसे बड़ी करने वाली एहतियात? बस मुझे ये लगता है कि लोग खासे डिप्रेस हो रहे हैं, लोग काफी उदास हैं और जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। ये बात तो सही है। अल्लाह ने चाहा तो दोबारा से खुशियां वापस आएंगी जिंदगी में। जाहिर है कि ये परेशान और डिप्रेस रहना भी आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, बिल्कुल कमजोर करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपबीट रहें। यू शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, इंशाल्लाह अच्छे दिन फिर आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को एक ऑप्टिमिज्म हो के जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स बता रहे हैं और हम सब कह रहे हैं उनको फॉलो करें, लेकिन उसके साथ उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एंड उम्मीद से ही दुनिया कायम है, तो बस वी शुड राइट। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को हम जरा जहमत देते रहेंगे क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो जनाब डरिए मत, लेकिन इसको बहुत इजी बना लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि जब वो थोड़ा सा कोई डराते हैं कि भाई देखियो ये हो जाएगा, 2,000 लोग मर रहे हैं एक एक दिन में, तो आपके शहर में भी ऐसा ना हो जाए, तो फिर लोग कहते हैं यार आप तो इतना पैनिक फैला रहे हैं। लेकिन हमें कहते हैं कि नहीं ऐसे भी घबराने की बात, तो लोग कहते हैं चलो फिर तो मसला ही कोई नहीं, चलो फिर पार्टी करें। तो भाई इसका एक बैलेंस जरूरी है, घबराइए भी मत, लेकिन इसको बहुत इजी भी मत लें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, रहा हूँ जरा थामना, कुल जहां मुश्किलों में घिरा।